बम्बई के रहने वाले सेठ मंगू बल के लड़के चंद्रपाल से कलकत्ते के सेठ सत्वर्धन की लड़की सुमित्रा से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद चंद्रपाल को पढ़ने के लिए विलास भेजा जाता है। वो पढ़ लिख करके आते हैं तो अपने देश की मातृभाषा हिंदी को भूल जाते हैं और अपना रहन सहन भूल जाते हैं। उधर वो लड़की हिंदी की पढ़ी लिखी थी, संस्कृत की पढ़ी लिखी थी, वो ओम रटती है और बाबूजी उस पर भड़कते हैं तो क्या कहते हैं। अब यहीं से एक किस्सा आपके सामने स्टार्ट होता है, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे मेहरबानों, सेठ चंद्रपाल विलात पटकर वापस आते हैं तो लड़की सुमित्रा का घोड़ा कसर अपने घर ले आते हैं। सुमित्रा एक हिंदी के जानने वाली पतिव्रता धार्मिक विचारों की लड़की थी और सेठ चंद्रपाल वो एक अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी दिमाग और अंग्रेजी प्रथा पर चलते हैं। वो लड़की सुबह सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेती है और उसके पति चंद्रपाल सेठ उसे जलते हैं। अब आपके सामने ये एक बहुत अच्छी स्टोरी जो कि आजकल के माहौल पर हमारे विद्यार्थियों के लिए ये नशेब आमेज स्टोरी है, हिंदी और अंग्रेजी की टक्कर है। हिंदुस्तान के मशहूर सांगी श्री चंद्रलाल बेदी द्वारा शमी म्यूजिक सेंटर कस्बा लोनी के सौजन्य से हमारे सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग सेंटर सरस्वती। अब सुनिए, सेठ मानकचंद जो एक धार्मिक विचारों का लड़का था और वो पतिव्रता सुमित्रा को अपनी बहन समझकर उसकी पूजा करता था। सुबह सुबह उठकर सुमित्रा और मानकचंद एक भजन कीर्तन कहते हैं। सुनिए, अब ये देसी रागिनी आपके सामने पेश की जा रही है। ओए भाई साहब, मानकचंद नमस्कार। जीती रहो बहन। देखिए भाई साहब, ये सुबह सुबह टाइम है। हाँ, हर इंसान का फर्ज है कि दो घड़ी बैठकर भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। और मेरे जो पति हैं, वो तो भगवान के नाम से भी चलते हैं। उनके आने से पहले आज थोड़ा भजन कर लो, हवन कर लो, कीर्तन कर लो, ताकि बीच में आके वो बाधा डाल दे। बहन शुरू कीजिए मेरे भाई। मैं आपको एक भजन द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भक्तों ने ईश्वर का नाम लिया है, उसकी उपासना की है, ईश्वर ने उनके हमेशा बेड़े पार किए हैं। किस किस भक्त ने ईश्वर का नाम लिया है भाई साहब, और भगवान ने उनका क्या साथ दिया है, आप बताओ भाई साहब। आए निराकार साकार जगत करतार करणिया तुसे। और भगत के रसड़े नल स्वर पार करणिया तुसे। हमारे सरंदे खेड़ा मस्तान निवासी जिला मुजफ्फरनगर साखली और खुशैद, धन्यवाद। नाम विसारा
प्रभु तेरा करा हो रहा हुए गश्य अंदर में प्रभु ने लिया तेरा सहारा तने ग्राहा चीर गज री ग्राहा चीर गज बचा लिए ऐसी कार कर लिया तुमसे छंद तुम हो और अयत्ते
शंकरदास मैं तू मंगल चंद तुम हो तुम प्राण देवी के प्राणनाथ के काटने फंद तुम हो गुरु चंद्रलाल का गुरु चंद्रलाल का राम राम नाम रोज कार्य करनिया तुझे और भक्ता के बे चले ईश्वर पार करनिया तुझे निराकार साकार। बहन भाई साहब देखिए ऐसा है आपका ये कीर्तन और भजन पूरा हो गया है। मेरा पति आने वाला हो रहा है। आपके पति शेठ चंद्रपाल आने वाले हैं और मुझे आज मिलिट्री में अपनी ड्यूटी पर जाना है। ठीक है भैया, भगवान आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपको तरक्की दे और आपके मकसद में ईश्वर आपकी सहायता करे। ठीक है भाई, आप जाओ। ठीक है, वो आने वाला हो रहा है, वो इसे दिमाग का है भाई साहब। अब मेरे मेहरबानों भाई और बहनों, शेठ चंद्रपाल विलायत पढ़कर एक ऐसे इंसान हो जाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्याओं के कोठे पर जाते हैं, पतिव्रता औरत अपनी जो सुमित्रा थी वो भजन करती है और शेठ चंद्रपाल दारू के नशे में धुत होकर एक भजन करने वाली कीर्तन करने वाली पतिव्रता लड़की को दुदगाते हैं और कहते हैं कि तुम ये भगवान का नाम क्यों ले रही हो। अब सुनिए, पेश हो रहे हैं हमारे गुरु चंद्रलाल। हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ। ये क्या भक्ति हो तुम आम आम पतिदेव राम राम, क्या होता है राम राम। देखिए ये राम सबसे बड़ी चीज होती है, ये भगवान का नाम है, भगवान राम, भगवान वो चीज है कि आप भी भगवान ने बनाए हो, मैं भी भगवान ने बनाई हूँ, ये सारी स्मृति सब भगवान ने बनाई है, आपको भी भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। भगवान न तू बनाई होगी, हम नहीं बनाए, अगर हम बनाते तो हमारी भी जान पहचान होती। देखिए भगवान तो तेरे भी रूम रूम में रम रहे हैं, मेरे भी रूम रूम में रम रहे हैं, भगवान तो बहुत बड़ी चीज होती है। तेरे में रमया होगा, हमारे में नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, एक तो कमरे में चारपाई तेरी है, दूसरी चारपाई मेरी है, तीसरा भगवान को भी बाबू जी कमरे मार रही है। भगवान है खतर को नाते, भगवान तो बहुत बड़ी चीज होते हैं, आप समझते क्यों नहीं हो पाते। मैं आपसे पूछूंगा, हाँ। अब मेरे सैनों से कहना है कि शिक्षा है कि अंग्रेजी और हिंदी में कितना अंतर होता है, ऐसे ऐसे लिखे पढ़ो ने ये हमारे देश को गिराया है। क्या मेरे दिल में हुआ विचार, इस कमरे में नहीं रहने दूंगा, हो जा जल्दी से बाहर। कमरे का बाहर को ना हो, मैं तो कमरे भीतर रहूंगी, तेरे दौरे फिट रहे। नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ के ये रोड़ा है क्या भवन में, ये रोड़ा है क्या भवन में, ये रोड़ा है क्या। तेरे देख देख ढंग को अरे चिंता है तेरे मन में, तेरे देख देख ढंग को चिंता है मेरे मन में, एक ओम ओम कह के हमारा की ठुमके है हमन में, ये रोला है
जाग रिधि तू मेरे पल्ले लाग रिधि और बाबा की लाग रिधि अरे खिलती नहीं चमन में ये रोड़ा बाप के यहाँ जाता है। मैं ढाई सर की अमन में डालती हूँ तो भगवान 500 की देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनिए मेरे प्रेमियों, आपके सामने वो रागनी हो रही है जिसमें आपने सुना होगा एक लोकगीत जो हमारे प्रेम भाई ने गाया है, मेरी छतरी के नीचे आ जा। वो इस तरह की नकल पब्लिक में है लेकिन असली ओरिजिनल कॉपी यहाँ है। ये तरह सुनिए जिसे हमारे आपके सामने हमारे गुरु चंद्रलाल और भाई इंद्रजीत पेश कर रहे हैं। ओ वो तू पढ़ अंग्रेजी पिया प्यारे ओ पढ़ अंग्रेजी पिया प्यारे अज्ञान बड़ा चाले क्यों हिंदी के अरब सीख के भगवान बड़ा चाले क्यों मत जाऊं मत नारा करके तुम रे से ताहिर
बेईमान बड़ा चाहे हिंदी के अरब सिख के अफगान बना चाहे बात है। मैं इंग्लिश मैन हूँ, हिंदी पढ़ती है और बड़ा काम विभाजन वाली मगर नहीं उच्चारण वाली नाचने गाने वाली आएगी, नाचने गाने आओगी, डांस कराएगी, तू दिखाने पारे सुखा तू करे मैं लाऊंगा ले तू इंग्लिश पढ़ने वाली हम भी देख लेंगे। देख लिए, देखिए मेरा तरह फैसला जो भाई साहब करेगा। भाई साहब बाबू, नमस्कार
भाई साहब। बाबूजी नमस्कार, ये मोहल्ले में क्या शोर है? अरे ये सोते हो ना सोने देते हो, हम तो तुम्हारे पड़ोस में किराए पर मकान लेकर भी तंग है बाबूजी। भाई साहब देखिए, मेरे पति जो है ये तो ये भी नहीं जानते कि भगवान कहते किसको है। आप इनको ये बता दो भगवान तो बहुत बड़ी चीज होते है। अरे तो देवी पता मुझे भी नहीं है भगवान किस मच्छर का नाम है। तुम एक काम करो, ये कमरा छोड़ो और यहाँ से आप खिसको, यहाँ लेडी आएगी। लेडी क्या होता है? लेडी? अरे लेडी को नहीं मानते, क्या समझती लेडी को ना? जिसकी ऊंची एडी वही लेडी। ठीक से तुम यहाँ के काबिल नहीं हो बाबूजी, आप इसको यहाँ से निकालो। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर चल रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, चार बजे रुक के मचाती है। जी हाँ, ओम ओम कह रुक के मचाती है। मैं भी इनसे परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ तबला बजे। हाँ हाँ, डांसर हो, यहाँ लेडी है, ढोंगबाजी हो, हाँ मनोरंजन हो। चलो रंडियों के मोहल्ले, मैं आपको जेबी रोड पर ले चलता हूँ। अब मेरे सैनों से और मेरे देश से कहा जाता है कि कहते हैं कि दहेज के ऊपर किसी खानदान की बेटी से नफरत करना ये कोई लाजिम नहीं है। क्यों कहा है? दवाई से बढ़कर दुनिया में परहेज है। दहेज के लालच में किसी ऊंचे कुल की खानदान की बेटी से नफरत मत करो मेरे विद्यार्थियों, नौजवानों, दुल्हन ही दहेज है। बाबूजी ये तुमने और अपनी पहलवान का बच्चा पकड़ लिया है, उसे त्याग कर चलता है। इसको छोड़ो डंडियों के मोहल्ले में। और आज इस बॉम्बे शहर में सबसे बड़ी एक ट्राइफ है बाबू, जो आपके साथ विलाद पढ़कर आई है। बहुत ही अच्छा गाना जानती है, बहुत ही अच्छा डांस जानती है। चलिए मेरे साथ। सजना अपने चला मकान से बसो चंद्रपाल, लाला जी चंद्रपाल अपनी दाता नार का नहीं करता है ख्याल, नहीं करता है ख्याल। सजना अगर लोगा पंचकुटी से सीता रावण के हाथों से उठती नहीं, तो लंका विराम के हाथों दुनिया के अंदर टूटती नहीं। बाबू जी चलिए चलिए, ये बाजार आ गया। बाबू जी ये बाजार है और सामने प्रेमजान कोठी पर खड़ी हुई है। मालूम हुआ है कि आप जैसे महापुरुष की उसको जरूरत है। चलिए मजनू का नाम लेकर चढ़े ये फांसी पर। अभी हमारे सजनों के सामने एक बहुत मशहूर तरह सुनाई जा रही है, जिसे सन 1952 हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये पेड़ का बंद है जी। वाकई ये वो तरज है, ये पेड़ का बंद हुई आज तक खुलती नहीं, जाने बन जा बने रहते हैं। मेरे प्रेमियों, पहुंच गया उस जगह जहां तरंडियों का बाजार प्रेम जान रंडी कमरे पे कर रही थी इंतजार। बाबूजी आपके सामने प्रेमजान खड़ी है, आपको इंतजार कर रही है। आहा, कितनी अच्छी है। हाँ बाबूजी, इसकी तारीफ करिए आप। तारीफ सुनाओ, इसकी खूबसूरती की तारीफ आप सुनाइए। सुन लो। जी हाँ, गोरी कौन है भाई? Yeah.
के थाली मोहल्ले में जाकर अपने तुखन को भेज देते हैं। हंसनी वो समुद्र कठारे
संगीतकारों बहुत अच्छे कितना खुश हूं मैं अंग्रेजी मैन ने इंग्लैंड पढ़ते हुए अपने देवताओं को मुकाम दिया से बातचीत की है उसका कहना यह है कि आप अपने अगर घरवाली को अपने घर से बाहर निकाल दोगे तो शायद है तुम्हारे साथ प्रेमजान लव मैरिज कर सकते हैं इसलिए आप उसको निकाल दो प्रेमजान आपके साथ चले जाएगी। अब मेरे प्रेमियों उधर प्रेमजान के कहने से शेठ चंद्रपाल अपनी औरत को निकालने पर तुलाते हैं। उधर वो पेशाओं कोठे पर गाना सुनते हैं और बेचारी सुमित्रा जो पति के इंतजार में खाना भी नहीं खाती है और पति नशे में धुत अपने घर पहुंचते हैं वहां सुमित्रा देवी उनका इंतजार कर रही है। अब ये देसी रागना सुनिए जिसे आपके सामने हमारे इंद्रजीत और हमारे गुरु श्री चंद्रलाल जी पेश कर रहे हैं। उधर तो बोली उधर तो बोली रंडियों से करता फिरे इकरार पतिव्रता ने भोजन तक खा नहीं कर रही साजन का इंतजार ओ तो कित जा करे पर तार नारे तेरी पूजा चावे सो हट पले बैठ बेकार चढ़ी कुनरे सर पे आवे
कहता हूँ, मगर राय राम को खैर करा, राय राम राजा का नहीं, घर खोलना पड़ेगा, मंदिर में जाओ। उसका हो गया कोच जगर में जराड़ी डागरी, राड़ डागरी छोड़ जाते हो। क्या कह रहे चाचा, बहुत अच्छे।
हट जा हट जा ना कण नारी ओ पिया से सात बीमारी हट जा ना कण नारी पिया से सात बीमारी पछतावे गानाथ के चिंता से भारी मने चिंता से भारी दुख पावेगा रंगीन दांत के बन कर बारी हट जा घनी लचारी ले आनंद बन कर बारी तेरी खड़ी बहु रंग छाते चिंता है भारी हट जग की सब गारी पिया
गगन कहा तारी ओ भर दे गीत में तारी जो गुरु को सब कुछ अर्पण कर दे के गया चंद्र सांगी के मशहूर सांग चंद्रपाल सुमित्रा भाग दो आपकी सेवा में प्रस्तुत है चंदा कैसेट्स की ओर से। सुमित्रा देवी ये चंद्रपाल सुमित्रा का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनिए सुमित्रा देवी आपको इस घर से जाना पड़ेगा, इस घर में प्रेम जान आएगी। प्रेम जान को आप लाएंगे? हाँ क्योंकि कहा किसी ने हर पत्ती गुलाब क्या होगी हर कली में ताब क्या होगी जिसने लाखों हंसी देखे हो उसकी नीयत खराब क्या होगी हर क्यों का जवाब नहीं होता हर हुसला जवाब नहीं होता यूं तो चमन में सब फूल खिलते हैं हर कली पे शबाब नहीं होता। आपको जाना होगा। अब मैं आपकी माँ से शिकायत करूंगी आपकी। आ मेरी माँ को छोड़िए आ मेरे बापू से शिकायत कर सकती है। बाप से शिकायत कर सकती है। मैं आपकी माँ से कहूंगी अब सुमित्रा अपनी सासू से शिकायत करती है तो उसकी सासू सेठ जी को क्या कहती है जरा सेठ के शिकायत के जवाब सवाल सुनिए। सेठ जी आपको मालूम होना चाहिए वो जो आपका लड़का चंद्रपाल है वो सुमित्रा बहू को तो घर से बाहर निकालता है और कोई रंडी है रंडी को घर में लाता है। डंडी घर में लाता है डंडी ले आओ तुम्हारी तरह से डंडी टूट रही है।
डंडी नहीं और नाच गए रंडी रंडी। हाँ अच्छा वो जो हरा हरा घाघरा लाल लाल झुटका करा है। हाँ कमरे में बेकार करवाऊंगा लुका पट्टा। जल्दी समझा ले करके ना सुन में माड़ी सी दे रही है बस। कड़े से वो जल्दी बुला ना फिर मेरा कुछ अशंडा हो जाएगा। शेर जी हाँ आज तेरे क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है यो पेट में। हाँ अरे बेवकूफ की बच्चे पेट में मत मारा करा तू। क्यों पूरे दिन हूँ बच्चा फेंक दूंगा। आज क्या हो रहा है तेरे। आज मेरे पेट में कब्जा हो रहा है। शेर जी उसको कब्जा नहीं बोलते और उसको बोलते है कब्जी कब्जी कब्जी। तू से बेवकूफ की बच्ची। अरे कब्जी तो बीर पानी को मर्द का तेरा फूफा कब्जा हो रहा है। शेर जी हाँ आज तेरे के लाग रहे हैं। सेठानी हाँ आज तो मेरे 10 लाग रहे से। किसे लाग रहे हैं। मेरा 10 लाग रहे से। किसे लाग रहे से। कुछ लाल लाल से सर। पानी कहाँ से ले गया था। अरे पानी का इतना अलमारी में लोटा भरके तो रखा था उठा के ले गया था मैं तो। नाच गए इतने चारा कर दिया। क्या कर दिया। उस लोटे में आ, उस बंटे में तुमने अपना ओढ़ नारंगन खातर लाल रंग ओढ़ रहा क्या था। लोटे में हाँ हाथ तेरे की मैं भी समझू बहन तो चीज नीचे भगनी लाल लाल क्यों हो गया। तेरा डर क्या गला के है। मैंने डर लगे था लुल्लू का। लुल्लू का। हाँ लुल्लू क्यों होते शेर जी। अरे लुल्लू आऊ अबू एक के बाद हो जिससे बालक डर लग रहा है। क्यों होते तेरे नीचे का लुल्लू। ना तेरी माँ ने कहा लुल्लू तो रहता है ना। अरे बेवकूफ की बच्ची जब मैं बालक था ना। अच्छा तो मेरी माँ मन लू के आकर थी अब छोरे बाहर ने मजा दिया लुल्लू डोले से। आज किस चलाया तू है। किस चलाया आज तू लुल्लू डोले से। लुल्लू हाँ मेरी माँ मैंने बोल दी छोरे बाहर मजे लुल्लू डोले से। सुन मेरी बात देखो जो तुम बच्चे थे हाँ नादान थे हाँ अब तुम बड़े हो रहे हो। मैं बड़ा हो रहा हूँ लुल्लू तो नहीं डरना चाहिए। अरे तो बेवकूफ की बच्ची तेरा पता नहीं जब मैं बड़ा होगा तो लुल्लू बड़ा नहीं हुआ होगा। सुन मेरी बात। सुना सुन ले वो तू हो जा लाला जी खड़ा ये बाल लुल्लू डोलरा मन रहने दे पड़ा हो जा लाला अगली बात करे तो चुकी लिखा पढ़ा होगा। अच्छा तेरी शादी धोखे में होगी मेरी गल्ला। हाँ तुम सब लिखा पढ़ा आदमी होगा। हाँ और मैं तेरा पाप बिल्कुल बेकार देसी कृपा। अरे बेवकूफ की बच्ची मैं तो बड़ा अकलमंद आदमी हूँ। तेरा नु पता नहीं या काल की बात है। हाँ। काल में करता लोटा भर के पानी का टट्टी होने चलेगा। अच्छा तो मैंने शेर की माँ मिल गई। शेर की माँ क्या उसे शेर की माँ ने मिल जाए की पट्टी। अरे शेर की माँ भेड़ो से। अच्छा उस ना के मारे लोटे का पानी पी लिया हम डर के मारे बोले नहीं। अच्छा सारा पानी पी के बोली भ्या। अच्छा हम बोले हम तो तेरे बेटा बेटी तुम्हारी माँ नुके का पंडा चुका लिया। अरे आज चुप कर दो पानी तो वापी की हल्का लोता अपना चोलिया पकड़ के चल जाया आज घर बोल जाओ। अच्छा उड़ा जाता मेरा बात याद आ गई। मैं शेर की माँ आवेगी और पानी पीवेगी अगर तय नहीं जाना पड़ेगा। अगली बात करे तो चुकी पढ़ा होगा तो तेरे बाप करे दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा तो तेरे बाप करे दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा। इव जान हुई आप बचपन में तेरे पे लुल्लू चढ़ा होगा तो के जवान मेरे साथ साथ लुल्लू भी तो पढ़ा होगा
अरे वो के जवान मेरे साथ साथ लुल्लू भी तो बड़ा होगा। वो डर क्यों काया में बड़ा मेरे लिखण जागी जान मेरे दो लुल्लू आलाड़ा हो जा लाला जी। की बच्ची अपनी बहू के सामने हरी बात से आग्रह है सब हिम्मत की बात है। मैं तो लू कर होना कुछ भी आज कुछ भी ना कर रहा सब कुछ करूंगा मैं। क्या करे था मर्द तू हूँ चाहे जा अजमाले तेरे बाहर का मर्द नहीं हूँ घर में तू चाहे जो करवा ले तेरे बाहर का मर्द नहीं हूँ घर में तू चाहे जो करवा ले। अरे बन के मर्द अंधेर में से कहीं भी तरकी भिड़वा ले अरे तो बन के मर्द अंधेरे में गुड़ ईट चोर की खा ले अरे तो बन के मर्द अंधेरे में गुड़ ईट चोर की खा ले। वो क्यों ना चोरा से अड़ा तू क्यों ना चोरों से अड़ा ओ सुन के चोर का नाम मूत मेरा जावली कहड़ा हो जा और मेरे बिना बेकार तेरा कौन अतरबा कर लेता। अच्छा जी चलो तुझे बीमार हो रहा है हाँ। तेरे बिना मेरा कोई अतरबा नहीं करता ना। तेरे बिना मैं बेकार रहता बिल्कुल ईब का बोलिए। और मेरे बिना बेकार तेरा कौन अतरबा कर लेता। अरे तो मेरे बिना तेरी शादी की कौन मानस हाँ कर लेता। अरे तो मेरे बिना तेरी शादी की गुण मानस हाँ कर लेता। और जो मैं ना होती शादी का हो तू किस तरह कर लेता। अरे जो तू ना होती शैतान में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। सटिया निर्भाग मेरी बात तेरी के इलाके है मैंने बेवकूफ समझ ली है। अरे शायद नहीं जाने से तेरी मामी के इलाके से तेरी मामी साड़ी लग गई। साड़ी क्यों कर लग गई मेरी माँ तो तेरी माँ तो मेरी माँ बात एक किस है। तुमने तो दोनों बहन भाई हो गए। जो मैं ना होती शादी का तू किस तरह कर लेता। अरे जे तू ना होती शैतानी में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। अरे जो तू ना होती शैतानी में तेरी माँ से ब्याह कर लेता। तो माँ करे तमन बिगड़ा वो भी रास्ता मेरे को था बोल। जो माँ करे तमन बिगड़ा तेरे बापू पे गिर ओढ़ना लेता छत्ती का भीड़ा हो जा। और गुरु चंद्रलाल के मेरा बाप तो तेरा बठा डर देता। अच्छा जितना बापू मेरा डर बठा देता और तेरे पता नहीं मैं गड़बड़ कर देता कर देता इनका बोल। गुरु चंद्रलाल के मेरा बाप तो तेरा बठा डर देता। अरे मैं भी कोली भर के तेरे बापू की चूल्हे पर धर देता। मैं भी कोली भर कर तेरे बापू की चूल्हे पर धर देता। और तू नहीं भूलता मेरा बाप तेरे से पिंड भर देता। उसे पिंड भरिए तेरे बापू की मैं हवा लीक कर देता। उसे पिंड भरिए तेरे बापू की मैं हवा लीक कर देता। तू अरने अच्छा मर्द गड़ा तू अरने अच्छा मर्द गड़ा मेरे तू ये मर्द बनी रो मैं तो रहनुमा ही गड़ा हो जा।
उसके चंद्रपाल के माता पिता समझाते हैं कि बेटा ये जो काम आप गलत कर रहे हो, एक पतिव्रता घर से बाहर निकाल रहे हो और एक रंडियो घर में रख रहे हो, आप कितना बुरा कर रहे हो, तो उसे समझाते हैं। लेकिन जब बुद्धि खराब होती है आदमी की, शैतान सिर पर सवार होता है तो इंसान कभी नहीं समझता है, तो वो क्या कहते हैं जरा सुनिए इस दूसरे हिस्से में, कितनी अच्छी जैसी कंपटीशन हरियाणा तर्ज की रागनी। अब हिंदी को भूलकर और अंग्रेजी पर खुश होता है एक पतिव्रता स्त्री को छोड़कर, भारतीय लड़का एक रंडी पर खुश होता है, लेकिन माँ बाप उसको समझाते हैं, क्या कहते हैं? ओ, 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 पढ़ लिख के जिंदगी सुधरे, बेटों पे खर्च पिता मात करे, क्या जीवन बेटे का जो पढ़ लिख कर उत्पात करे। चंद्रपाल आप पढ़े लिखे हैं, आपने विलाद पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर को तबाह कर रहे हो। हम नहीं जानते क्या होती है पढ़ाई ये हिंदी की, हम इसको पसंद नहीं करते। ओ चंद्रपाल मत लड़े बहुत ना तो लोग हसाई ओ जागी। अरे सत्यानाशियो मत बोलो, ना तो घर में लड़ाई हो जागी, घर में लड़ाई मत लड़े बहुत लोग हसाई हो जागी। सत्यानाशियो मत बोलो, ना तो घर में लड़ाई हो जागी, घर में लड़ाई हो जागी। ओ, 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 सोचे समझे बिना लाल मेरे घर में करी लड़ाई क्यों। नू लड़ना पड़ा बिना पास के बहुत हसी जाई, क्यों नू लड़ना पड़ा बिना पास के बहुत हसी जाई क्यों। हरसोवा में छाट बहु मेरी चंद्रपाल बिसराई क्यों। मेरे लेके है बेकार घड़ी, तुम इसकी करो बड़ाई क्यों। मेरे लेखे है बेकार घड़ी, इसकी करो बड़ाई क्यों। अरे मूर्ख के रे 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 रे, मूर्ख के बिसराए तके सोने में काई हो जागी। तुम सोना कहो रंग को माँ, किस तरह सच्चाई हो जागी, किस तरह सच्चाई हो जागी। ध्यान रखे हर में जरूरत नहीं है इसकी,
भगतनी ईश्वर की कर भजन ध्यान रखे हर में झूठी करो तारीफ ऐसी बेकूफ नहीं दुनिया भर में झूठी करो तारीफ ऐसी बेकूफ नहीं दुनिया भर में इस रंडी की तारीफ करे तेरे दिखा तेरे सर में चढ़ते सर कट जाओ मेरा आवेगी प्रेम जान घर में चाहे धड़ते सर कट जाओ मेरा आवेगी प्रेम जान घर में इस घर के फुकड़ रे 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 इस घर के फुकड़ आली वरंडी दीवा सड़ाई हो जागी बेसकते लग जाओ आग तेरे घर में मेरी तो मन चाही हो जागी मेरी मन चाही हो जागी चंद्रपाल कहिए हर प्रेम जाने जहर समझ ओए ओए ओ ओ प्रेम जाने जहर समझ शैतानी दूध गऊ का से तुम कहो गऊ का दूध या जहर फुकड़िया मेरे लहू का तुम कहो गऊ का दूध जहर फुकड़िया मेरे लहू का है अरे सुरत की करिया पड़े लहू ते असली ढंग नहू का से नहू का करिया चंद्रपाल भी साजन नहीं बहू का गयो नहू के दरिया चंद्रपाल भी साज नहीं बहू का है मेरी बहू सुमित्रा बहू सुमित्रा बरगी के बक्ता और लुगाई हो जागी मेरे मन में बसगी प्रेम जान किस धाल पराई हो जागी धाल पराई हो जागी साइयों में दत्त नगर में तो का खेड़ा लग रहा है धुना गुस्साइयों में ओ कभी न कदे कभी न कदे तो चंद्रपाल तेरी हरकत सुनाई हो जागी हर सच्चे दिल से कुबात करो तो कला सवाई हो जागी चंद्रपाल मत लड़े बहू से शमशीर खिंच के पंजा कातिल में रह गई
महुवे नजारा खींचने वाला ही रह गया, मगर खिंचते खिंचते यार की तस्वीर रह गई। प्राणनाथ, आप रंडियों घर में ले आए हैं, ये सुरभ जैसा घर आपने नरक बना दिया है। देखिए मैं पतिव्रता सुमित्रा देवी अब कहाँ जाऊंगी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। प्राणनाथ, मेरा क्या होगा इस दुनिया में? मेरी बात सुनिए, आप तो ढूंढ लो अपने भगवान को, मैं ले आया रंडी प्रेम जान को। तुम शोर मचाती हो, ओम ओम कहकर रुके मचाती हो, अब अपने भगवान के मंदिर में जाओ। देखिए प्राणनाथ, चाहे मुझे आप इस रंडी की नौकरानी बना के रख लो, लेकिन मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मेरा क्या होगा दुनिया में, मैं कहाँ जाऊं? वहीं जाओ जहाँ तेरा भगवान रहता है। अब मैं कहाँ धक्के खाते फिरूंगी प्राणनाथ? जान रहोगे क्या? तबला बजेगा, रंजी का डांस होगा, तेरे ओम ओम की जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचो, मेरी बात सुनो। सुनाइए। और काया मान भर तारे नार का तू खोले जलावे मत ना। मने तू अपनी शान दिखावे वतना, हो जाता भाई मने तू अपनी शान दिखाओ मतना। इस रंडी ते भी कहीं पिया मेरी शान खराब समझ ली तो की कर की सुन या रंडी मने फूल गुलाब समझ तू की कर कैसी सुन या रंडी फूल गुलाब समझ ली। इस रंडी की तारीफ करे रंडी की तारीफ करे गहिबे अब समझ ली तू बड़ी अंधेरी रात मनया गन का महताब समझ ली ओ तू बड़ी अंधेरी रात में नया रंडी महताब समझ ली। इस धर्म हारे भी चरणी ने भर पार सरावे मतना मेरे आगे प्यारी ओ मेरे आगे प्यारी प्रेम जान में बुरी बतावे मतना। कपूत की तरिया क्यों मिले हुए मन
पाड़न लगरी दूत की सरिया के चली जर मिले हुए मन पाड़न लगरी दूत की सरिया क्यों छोड़े आपका काम फिर ठग दूत की तरिया क्यों चुपकी हो गए बैठ चिपटरी भूत की तरिया क्यों चली जा रहे चुपकी हो गए बैठ चिपटरी भूत की तरिया क्यों अरे भूत बता के रे 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 अरे भूत बता के चंद्रमा पे धूल बगावे मत ना अरे आती गवार सूरज कैसी अपनी शान बतावे मत ना बैठ के तू खाली बात घड़े की अरे बेकारी रुपए दस घने बैठ के खाली बात घड़ेगी हाँ तो मेहरबान हूँ सुमित्रा उसके पति ने निकाल दी उधर वो पतिव्रता थी कुछ दिन के बाद स्कूल में लड़कियां पढ़ाई लेकिन वहां भी लोगों ने उसे जीने नहीं दिया आखिर वो फकीर का भेष कर लेती है और बॉम्बे शहर में मोनी बाबा के नाम से बहुत बड़े साधु के नाम से मशहूर हो जाती है जहां पतिव्रता होती है वहां धर्म भी होता है पतिव्रता होने के नाते से इतनी तपस्या हो चुकी थी कि जो भविष्य में कह देती पूरा हो जाता था इसीलिए बॉम्बे शहर में मशहूर हो जाती है उधर सेठ माणकचंद का दोस्त सेठ चंद्रपाल का दोस्त माणकचंद जो फौज में रहता था बड़ा धार्मिक विचारों का लड़का था सुमित्रा को अपनी बहन से ज्यादा समझता था आता है और चंद्रपाल सेठ से मिलता है सेठ चंद्रपाल प्रेमजान को ले आते हैं प्रेमजान को घर में देखकर उसे बड़ा दुख होता है सेठ चंद्रपाल कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं माणकचंद वहां रह जाता है प्रेमजान के पास प्रेमजान से बदला लेने के लिए माणकचंद प्रेमजान के पास पहुंचता है और जान हरी में ला गया जान हरी में ला गया जरा देर करता नहीं माणकचंद प्रेम जान के धोरे आ गया प्रेम जान जी मिस्टर तुमने मेरी बहन को निकलवाया है मेरा नाम माणकचंद है फिर मैं सेठ चंद्रपाल का दोस्त हूँ नाचो और गाओ दिल बहलाओ नाचना गाना सिर्फ चंद्रपाल बाबू के लिए है और दुनिया के लिए नहीं है क्या भक्ति हो मैं सही कहती हूँ मैं उनका दोस्त हूँ आप कुछ भी हैं अगर तुम नाचो और गाओगे नहीं तो मैं तुम्हारा आज रात को खून कर दूंगा यू कैन गो विद रिस्पेक्ट गेट आउट फ्रॉम हियर आप जा सकते हैं सुन रंडी की बात करो हुआ माणक चंद उदास पहुंच गया मोनी बाबा के पास सवाल बूझने को और होगा चित्त निराश बाबा आलक निरंजन नमो नारायण महाराज आलक चरण जी रहो बच्चा बाबा
मैंने सुना है मौनी बाबा बम्बई शहर में बहुत बड़े साधु हैं, ईश्वर की कृपा से जो भविष्य के लिए कह देते हैं पूरा हो जाता है परमात्मा की दया से। बाबा मैं प्रेमजान को मारना चाहता हूँ, फिर इस कत्ल केस में मेरे लिए क्या होगा? इस कत्ल केस में आपके लिए बच्चा कुछ नहीं होगा, सुनो मेरी बात। सुनाओ। बाबा अच्छा बाबा उस विनाश ने कितनों का विनाश किया है? मेरे दोस्त का घर उजाड़ा है। हाँ, मेरी देवी जैसी बहन सुमित्रा को बाबा घर से निकलवाया है। मालूम है बच्चा, मालूम है। बाबा मैं उसका खून पे जाना चाहता हूँ। बच्चा पियो, उस पापनों खत्म कर दो। अरे क्या करने महाराज,
आपके लिए कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी तो मोनी बाबा अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको नहीं मरने देंगे। धन्यवाद बाबा, आशीर्वाद है। जय बच्चा। अरे मानक चंद झट चल दिया दिल में किया विचार और जल्दी करके पहुंच गया जारंडी थी बदकार। और रंडी थी बदकार शांति ना दिल में धारूंगा